दोस्तों फाइनली वीवो ने अपना वीवो U1 का सक्सेसर वीवो U3 को चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो कि दोस्तों आता है स्नैपड्रैगन के 675 के प्रोसेसर के साथ, जैसा कि रेडमी नोट 7 प्रो में हमें देखने को मिला था। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा और 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलता है। और सबसे बेहतरीन बात दोस्तों यह है कि स्मार्टफोन की प्राइसिंग अंडर 10,000 रुपीज के करीबन है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन, और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से, तो दोस्तों वीवो U1 के जैसा स्मार्टफोन में भी देखने को मिलने वाला है प्लास्टिक बॉडी का डिजाइन, जो कि आने वाला है ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस का स्क्रीन, जो कि आने वाला है एक छोटे से वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, जिसमें कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरे की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा, जहां प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन के 675 का प्रोसेसर, जैसा कि वीवो V17 प्रो, वीवो V15 प्रो और रेडमी नोट 7 प्रो में देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, जो कि फ्लेक्सिब और मिड रेंज दोनों स्मार्टफोन में यूज करा गया है। तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन की प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है 5000 एमएएच की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। एंड फाइनली बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलता है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, जो कि आता है वीवो के फन टच ओएस के साथ। एंड फाइनली बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज की चाइना के अंदर 9,999 रुपए के अंडर है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन प्राइसिंग के साथ बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है वीवो की तरफ से। सो दोस्तों अगेन ये स्मार्टफोन बीट करने वाला है इंडिया में आते ही रियलमी और रेडमी के सभी स्मार्टफोन को, जो कि मिड रेंज के प्राइस में लॉन्च करा गया है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन प्राइसिंग के हिसाब से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड फाइनली बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को नवंबर के लास्ट वीक तक इंडिया में लॉन्च करा जा सकता है। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल।